Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel and आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज। ये अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS या अन्य जिस भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ईजिली रेफर कर सकते हैं एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाई मी नैना दुबे। सो ये वीडियो सुबह 7 से 8 के बीच में उपलब्ध हो जाती है। अगर आपको नोटिफिकेशंस ना आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सुशासन दिवस कब मनाया गया एंड द थर्ड वन किस राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर किया था तो आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड स्टैटिक पार्ट से हमारा क्वेश्चन है कि मानक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है एंड द सेकेंड वन औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आज के बनते हैं 5 क्वेश्चंस एंड आप कोशिश करिएगा कि इन पांचों के आंसर्स आप मुझे कमेंट में बता पाओ। कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे तो कल के आंसर्स में बता दूं, किसने संयुक्त अरब अमीरात में फीफा क्लब विश्व कप 2018 का खिताब जीता है तो इनका नाम है रियल मैड्रिड। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा किस राज्य में भीड़ हिंसा विरोधी विधेयक पास किया गया तो ये राज्य है मणिपुर। एंड द थर्ड वन किसने वार्षिक राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की है तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। स्टैटिक से लीबिया की राजधानी क्या है तो ट्रिपोली लीबिया की राजधानी है। एंड कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कौन से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग पुल बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया है। जैसा कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया गया है। ये हमारे देश का सबसे लंबा पुल है। इसके पहले कहा जा रहा था कि केरल में जो वेम डाब पुल है वो उसकी लंबाई है 4.62 किलोमीटर और ये केरल की सबसे मतलब हमारे देश का सबसे लंबा पुल था। बट बोगीबिल पुल के उद्घाटन से अब बोगीबिल हमारे देश का सबसे लंबा पुल है और ये भारत का एकमात्र पूरी तरह से वेल्डेड ब्रिज है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से वेल्डिंग की गई है जिसमें देश में पहली बार यूरोपीय कोड और जितने भी वेल्डिंग मानक होते हैं उनका पालन किया गया है। ये पुल असम में द्रिभुगढ़ शहर से 17 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड देखिए ये असम से अरुणाचल प्रदेश तक यात्रा के समय को 4 घंटे कम कर देगा और साथ ही साथ ये दिल्ली और द्रिभुगढ़ के बीच 3 घंटे की ट्रेन यात्रा में भी कटौती करेगा। तो इतनी सारे इस पुल का एडवांटेज है। तो क्वेश्चन हमारा था कि ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है तो हमारे ऑप्शन है बी असम में इस पुल की उद्घाटन की गई है। नेक्स्ट आप इस पुल को यहाँ देख सकते हो, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। असम के बारे में हम ध्यान दे सकते हैं कि इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, राज्यपाल है जगदीश मुखी, नेशनल पार्क है वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, औरंग नेशनल पार्क एंड रिबू साइखोवा नेशनल पार्क। हवाई अड्डे वहाँ के कुछ हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, द्रिभुगढ़ हवाई अड्डा, जोरहट हवाई अड्डा, तेजपुर हवाई अड्डा, सिलचर हवाई अड्डा। मैंने यहाँ हवाई अड्डा इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बोला जाता है कि असम में मतलब बहुत अधिक मात्रा में है हवाई अड्डे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, किस मंत्रालय ने भारत चीन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है, ये किस मंत्रालय के द्वारा भारत चीन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये मंत्रालय है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन है ए, देखिए नई दिल्ली में सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच में आदान प्रदान पर इस विषय पर यह भारत चीन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये नई दिल्ली में हुई थी 24 दिसंबर को और इसमें चाइना मतलब चीन की चार फिल्में थी, हमारी इंडिया की 3 फिल्म थी और इन सब का प्रदर्शन किया गया था। ओवरऑल ये जानना है कि ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट सूचना प्रसारण मंत्रालय के बारे में भी हम ध्यान रख सकते हैं कि इसके मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव है अमित खरे और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 17 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का समापन हुआ है? 17 दिनों का चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का समापन हुई है हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका समापन किया गया है 23 दिसंबर को। देखिए गीता महोत्सव 7 दिसंबर से शुरू हुआ था और 23 दिसंबर को इसका समापन किया गया है। इसमें पार्टनर देश की अगर बात की जाए तो मॉरिशस थी एंड पार्टनर स्टेट की बात की जाए तो ये गुजरात था। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में हुई है? हमारे ऑप्शन है ए एंड इसका उद्देश्य ये था कि श्रीमद् भगवद गीता के जन्म के उपलब्ध को इसमें मनाया गया है। ठीक है, जब जो महाभारत में प्रसिद्ध 18 दिन के जो युद्ध के पहले ये शुरू हुई थी, तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि इसे जन्म के उपलब्ध को मनाना है श्रीमद् भगवद गीता के, तो इस उद्देश्य से ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव को आयोजित हुई थी और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में समाप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि नेक्स्ट 2018 की जो गीता महोत्सव है ना, ये मॉरिशस आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हरियाणा के बारे में हम ध्यान दे सकते हैं कि इसके मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल जी एंड राज्यपाल है श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने अपने 10वें नौसेना हॉस्पिटल शिप का नाम क्या रखा है? हमारी इंडियन नेवी के द्वारा एक हॉस्पिटल शिप, इनकी एक नई शिप आई है हॉस्पिटल से रिलेटेड, मतलब अस्पताल, इसमें चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ें हैं और इसका नाम इन्होंने रखा है संधानी। हमारे ऑप्शन है ए, और इसमें जो कि मुंबई महाराष्ट्र के पास जो उरण जगह है वहाँ नौसेना स्टेशन के पास ये स्थित है और इसमें 30 बेड की व्यवस्था है, इसमें मल्टीपल स्पेशलिस्ट अस्पताल सारी इसकी व्यवस्था है, इसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनोकोलॉजी, आपकी पेडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, इन सारों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी एक स्पेशल टीम भी इसमें रखी गई है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा संधानी। ऑप्शन है ए। और भारतीय नौसेना, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल सुनील लांबा, नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष है वाइस एडमिरल अजीत कुमार और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी? तो ये देश है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड में ये जो पेरिस समझौते के तहत ये जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते हुई है उसे पोलैंड में किया गया था, और इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया से जो इस बैठक की अध्यक्षता की थी वो इन्वायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसमें शामिल थे, और ये 2 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पोलैंड में हुई थी। तो ऑप्शन हो गया सी, पोलैंड। ये इस पिक्चर में आप देख सक रहे हो समिट के बारे में। एंड नेक्स्ट वन, किस देश में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में त्रिपक्षीय चाबहार समझौते की पहली बैठक आयोजित की गई थी? भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये बैठक है, त्रिपक्षों की ये बैठक है और ये की गई थी आपकी ईरान में। हमारे ऑप्शन है सी, इसमें इनका मेन मुद्दा था व्यापार को लेकर इसमें चर्चा की गई है। आपको ध्यान रखना है कि ये ईरान में हुई है। ऑप्शन है हमारे सी। अफगानिस्तान के बारे में आप ध्यान दे सकते हो, इसकी राजधानी है काबुल और वहाँ की मुद्रा है अफगान अफगानी, और ईरान के बारे में यहाँ की राजधानी है तेहरान और मुद्रा है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो बांग्लादेश में जो अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं इनका नाम है रीवा गांगुली दास, ऑप्शन हो जाते हैं ए, एंड प्रेजेंटली ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक है, और बांग्लादेश में आप ध्यान रख सकते हो कि इसकी राजधानी है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये घोषणा की गई है कि इनकी 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, और ये है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारे ऑप्शन है बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाने की इन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी जो चिड़ाघर है इसमें संक्रमण के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, तो इसमें किस वायरस का संक्रमण हुआ जिसके लिए इसे बंद कर दिया गया है? तो देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान में पाया गया है कि 6
मोर जो होते हैं ना, 6 मोर की मौत हो गई है अचानक, और वहाँ H5N1 नामक एक वायरस पाया गया है जिसके कारण इस उद्यान को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन है बी, H5N1 वायरस के तहत के कारण 6 मोरों की इसमें मौत हुई जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया है। तो ऑप्शन है हमारे बी, H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वास्थ्य, सड़क, राजमार्ग और उच्च शिक्षा से जुड़ी करीब 14,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें स्वास्थ्य, सड़क से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं होंगी और उच्च शिक्षा, इन सारों की इसमें व्यवस्था करवाई जाएगी, और ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के लिए इन्होंने इस परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। हमारे ऑप्शन है डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य के बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की है। वहाँ बाल देखभाल एक संस्थान है जिसका नाम बदल दिया गया है और जगन्नाथ आश्रम कर दिया गया है। ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है। इस अनुसार हमारे ऑप्शन है ए, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने कुंभ मेले के लिए विशेष कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि कुंभ मेला जो 2019 में लगने वाला है, ये प्रयागराज इलाहाबाद में लगेगा। ये 15 जनवरी से शुरू हो रहा है और 4 मार्च तक चलने वाला है। 15 जनवरी मकर संक्रांति से ये स्टार्ट होते हुए महाशिवरात्रि 4 मार्च को एंड होगा। तो इसमें एक बैंक ने एक विशेष कार्ड को लॉन्च किया है जिसके जरिए डिजिटलीकरण जो अभी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक मॉडल बनाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये भागीदारी की है। इससे क्या होगा कि दुकानों पर जितनी भी सुविधाजनक और परेशानी रहित लेन देन में बहुत ज़्यादा ये सहायता करेगी बिना, विदाउट इंटरनेट के। तो ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, PNB के द्वारा ये विशेष कार्ड को लॉन्च किया गया है कुंभ मेले के लिए। तो ये बैंक है PNB, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजबार्ड नामक मैसेजिंग ऐप किस देश ने लॉन्च किया है। देखिए, बिजबार्ड नामक एक मैसेजिंग ऐप आई है और ये ऐप पहली बार इस देश ने लॉन्च की है। ये देश की ये पहली ऐप है बिकॉज़ इस देश में फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी जितनी भी ऐप है वो सारी बैन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये देश है तुर्कमेनिस्तान। इस देश में जितनी भी मैसेजिंग ऐप होती है ये सारी बैन रखा गया है। तो पहली बार इन्होंने अपना एक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है और ये है बिजबार्ड, जो कि आपके एंड्रॉयड, OS, एप्पल, जिस तरह की भी आपके फ़ोन है सब में, उन सारे सिस्टम में ये चलेंगी। तो ये ध्यान रखना, हमारे ऑप्शन है डी, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महाराजा जगतजीत सिंह पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। महाराजा जगतजीत सिंह, देखिए, ये कपूरथला के पूर्व शासक रहे हैं और इन पे एक पुस्तक आई है जिसका विमोचन किया गया है अमरिंदर सिंह जी के द्वारा। ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने महाराजा जगदीश सिंह पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस बुक का टाइटल है प्रिंस पैटर्न एंड पैट्रियॉक, महाराजा जगतजीत सिंह का कपूरथला है। ठीक है, ये इनका पूरा टोटल बुक का टाइटल है। और ये ध्यान रखना है कि ये बुक जो है सुखजीत सिंह, जो कि रिटायर ब्रिगेडियर रह चुके हैं, और मीरा फेडरिक, इन दोनों ने मिलकर इसे लिखा है। तो हमारे ऑप्शन है ए, अमरिंदर सिंह, इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है, जो कि प्रधान पंजाब के मुख्यमंत्री है। आप इस पुस्तक में देख सक रहे हो कि ये है अमरिंदर सिंह जी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और ये इस बुक को भी आप देख सकते हो। सो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 27 दिसंबर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पे नैना दुबे सर्च करके, वहाँ लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।